नमस्ते दोस्तों, आज हम उड़ीसा का एक पॉपुलर स्वीट्स छेनापोड़ा का रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये छेनापोड़ा बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। तो आइए देख लेते हैं ये छेनापोड़ा कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया, अब उसको गैस में बिठा दिया, उबलाने तक वेट करना है। जैसे ही उबल आ जाए तब मैं यहाँ 2 टीस्पून विनीगर और 2 टीस्पून पानी एक साथ घोल के रख दिया, उसको दूध में मिला दिया। दूध से अभी छेना निकलना पड़ेगा। कुछ देर तक चलाने के बाद ही दूध से छेना निकल के आ गया है। अब एक स्ट्रेनर से पानी को अलग कर देंगे और छेना को अलग करके रख देंगे। तो छेना लेना हो गया है। अब इसमें 1/2 कप सूजी मिलाएंगे। सूजी को डालने के बाद अच्छे से छेने के साथ मिक्स करूंगी। अच्छे से सूजी और छेना को मिक्स करके थोड़ा सा जैसे स्मूथ बन जाए तब मैं यहाँ 1 कप चीनी रखे उसको डाल दिया। अब चीनी को भी अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। चीनी मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, जैसे ही चीनी छाना और चीनी और सूजी मिक्स होने जाने के बाद 1 टेबल स्पून काजू बादाम रखे उसको भी डाल दिया और 1 टेबल स्पून किशमिश रखे उसको भी डाल दिया। अब एक साथ सबको मिक्स कर लेंगे। इसमें चीनी है इसलिए थोड़ा सा स्मूथ बैटर जैसा बन गया है। इसका टेक्सचर ऐसे ही होगा। अब मिक्स हो जाने के बाद एक स्टील का कटोरी ले लिया, उसमें थोड़ा सा बटर अभी ब्रश कर लूँगी। चारों ओर बटर को अच्छे से लगा दिया। बटर लगाने के बाद थोड़ा सा मैदा पूरा कटोरी के ऊपर अच्छे से लगा के चारों ओर स्प्रेड कर दिया। आप धीरे धीरे छेना का मिक्सचर को कटोरी के ऊपर डाल देंगे। डालने के बाद एक स्पैचुला से अच्छे से फ्लैट कर दिया छेने को। आप एक कुकर में पहले से ही मैं 1/2 किलो नमक देके 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम में गरम कर लिए थे। ये नमक मैं बेक करती हूँ, इसमें पहले भी बेक किया हूँ। आप धीरे धीरे गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और छेने का कटोरी को अंदर रख देंगे। आप ढक्कन लगा देंगे। इसमें गैसकेट या व्हिसल कुछ नहीं लगाना पड़ेगा और गैस का फ्लेम एकदम धीमा करके 1/2 घंटा 45 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे। 1/2 घंटा बाद एक बार चेक कर लेंगे। चाकू छानापोटा के अंदर देखे एक बार देखना है। जैसे चाकू साफ निकल के आता है तो समझ में आ जाएगा छानापोटा हो गया है और चाकू में थोड़ा सा कुछ लगा है। कुछ देर तक उसको और भी 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर ठंडा होने के बाद उसको निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, कितना सुंदर दिखने में हुआ है ये छानापोड़ा और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप भी इसी तरीका से एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।